फाइंडिंग टीम की मीटिंग आप लोगों की चल रही है, क्या क्या अंदर आप लोगों ने बातें कही हैं और कहाँ पे खामियां आपको नजर आई? अंदर की बात तो अंदर रखनी पड़ेगी, लेकिन जो सार है वो बेहतरी की दिशा में क्या निर्णय लेने चाहिए कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए कांग्रेस के संगठन के माध्यम से, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के माध्यम से हम कैसे बेहतर से बेहतर योगदान कर सकते हैं। अंततः अगर हमको सरकार में एक जिम्मेदार प्रतिनिधि बन के आना है तो क्या कमियां हैं या क्या हमको करना चाहिए छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित के लिए, और वो कमियों को पहचान के हमको दूर करना है। क्या या जहां आपको खामियां लगी, गुटबाजी, क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है भविष्य में, या बोल दिया जाए कि अब चुनाव बड़े नेता नहीं लड़ेंगे या गुटबाजी के कारण कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? कोई भी निर्णय संगठन ले सकती है। अभी हाल में हमने देखा उड़ीसा में पूरी बॉडी भंग हुई, एक उदाहरण बहुत बहुत सालों में, दशकों में एक सामने आया है कि पूरे स्टेट की कंप्लीट बॉडी डिसॉल्व हुई, पीसीसी प्रेसिडेंट भी हटे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, जितने सेल्स हैं कांग्रेस के वो हटे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष एक साथ। तो कांग्रेस गंभीरता से चिंतन कर रही है कि कैसे हम एक ऐसा संगठन तैयार कर सके जिसमें गतिशीलता भी रहे, नया पुराना भी हो सके, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी परफॉर्म करें, नए जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको भी मौका मिले, इसमें समन्वय बना के हम पार्टी को कैसे मजबूती दिला सकें, क्योंकि अंततः इस पार्टी के माध्यम से ही हमको प्रदेश और देश में काम की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। सर, उड़ीसा का उदाहरण दिया तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि छत्तीसगढ़ कमेटी भंग करके? समय के हिसाब से, छत्तीसगढ़ का बात नहीं है, ये तो पूरे देश में किस क्या होगा। उदयपुर सम्मेलन हुआ डेढ़ साल पहले, उदयपुर में हमने सम्मेलन किया और उसमें कुछ निर्णय लिए गए, तो स्वाभाविक है कि ऐसे शिविरों में जहां आदान प्रदान विचारों का होता है और निर्णय लिए जाते हैं तो समय अनुकूल, समय के हिसाब से कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। कोई भी सिस्टम जो चल रहा है एकदम से उस नाव को डगमगाइए तो नाव पलट भी सकती है, तो आप समुद्र में हैं, बड़ी नाव में आप सवार हैं, तो ऐसा भी नहीं करना कि वो नाव ही पलट जाए, लेकिन ऐसा भी करना कि नाव आगे चलती रहे, अच्छे तरीके से चलती रहे। तो परिवर्तन तो देखिए ये प्रकृति का नियम ही है, तो स्थिरता बनी रहेगी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा ये तो संभव ही नहीं है, पर क्या करना, कितना करना, हर जगह की अलग परिस्थिति रहती है,